हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन कैमरे वाली बाई ने बताया कि समर स्टार्ट हो गया है। तो आज बनाते हैं थाडू रेसिपी, जो खाने में टेस्टी है, हेल्दी है और गर्मी को भगा देने वाली है। तो जी नमस्कार, मैं हूं उमंग फ्रॉम बावलीज किचन, और माँ अन्नपूर्णा जी के आशीर्वाद से आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रूट कस्टर्ड, जेने आपने गुजराती में फ्रूट सलाड कहिए छे। खाने के साथ लिया तो मिठाई, खाने के बाद लिया तो डेजर्ट। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर आधा लीटर दूध। उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। चीनी डालने के बाद चलाते हुए थोड़ी देर दूध को उबाल लेंगे। दूध हमारा उबल रहा है, तब तक हम बना लेते हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है 1 कप दूध और 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड हो गया है रेडी। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध में मिलाते जाएंगे, दूध को चलाते जाएंगे ताकि इसमें गाँठें ना बने। अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। चलिए दूध हो गया है रेडी। अब इसे 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख देंगे। चलिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, दूध हमारा ठंडा हो गया होगा, तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। आगे की प्रोसेस में कुछ ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ आपके मन पसंद के फ्रूट्स डालने हैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये अंगूर, ये सेब, ये चीकू और तुम। ये हो गया हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार। गर्मी की मौसम में ठंडा ठंडा खाइए, कूल कूल हो जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिए।